नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है सेशन में। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और आज सुबह आपका करंट अफेयर्स का सेशन नहीं हो पाया था ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेशन को, और फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए सेशन में। और मैं आपके लिए सेशन लेके आ गया हूँ, तो फटाफट सभी दोस्त जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट हो चुका है, यस सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो आप सभी को बता दें, फटाफट सभी लोगों को बता दें कि मेरा नाम है अरविंद शुक्ला, मैं आपको पढ़ाता हूँ जर्नल अवेयरनेस बैंकिंग फाइनेंस की क्लास, और मेरा अकेडमी पर कोड है ARS50। तो आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मेरी जो क्लासेस का शेड्यूल होता है वो मॉर्निंग 8 AM डेली करंट अफेयर्स का शेड्यूल होता है। आज क्लास ना चलवाने की वजह से दोपहर 1 बजे आपके लिए स्पेशल क्लास मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स की, ठीक है। और हमारे जो नए बैचेस, न्यू बैचेस हैं, वो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 11 अगस्त से। तो 11 अगस्त से आप सभी लोग हमारे बैचेस को देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग हमारे बैचेस को देख सकते हैं 11 अगस्त से, जो नए बैचेस आए इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए भाई अपने सर के साथ, आपके सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक प्रिपरेशन एग्जाम। अनअकैडमी आपके लिए 30+ नए बैचेस एवरी मंथ लाता है। 40 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है। जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं उनका 98% विश्वास है अनअकैडमी के ऊपर, और 70+ एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री आपके लिए क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, जो नए बैच आ रहे हैं, फाउंडेशन बैच आ रहा है फॉर ऑल बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। रणबीर एडवांस प्रैक्टिस बैच आ रहा है बैंक के लिए, और रन विजय सीटी बैच आपके लिए आ रहा है। तो ये सभी बैच आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं 11 अगस्त से, यानी 11 अगस्त वेडनेसडे से अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, यानी घर पे बैठे लाखों क्वेरीज जो अभी तक आंसर नहीं मिल पा रहा था, उन सभी क्वेरीज का आंसर अनअकैडमी आपको देने के लिए एक बेहतरीन फीचर आपके लिए लाया है अनअकैडमी ऐप पर। और यहाँ पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अपनी क्वेरीज के आंसर ले सकते हैं। अगर यूनिक क्वेश्चन है तो हम वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और कैसे इसका प्रयोग करेंगे ये भी समझ लीजिए। अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप जाएंगे, ऐप के ऊपर डाउट एंड सॉल्यूशन ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर आप अपनी डाउट की इमेज को अपलोड करेंगे, उसे क्रॉप करेंगे और आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो अनअकैडमी अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एवरी संडे 10 AM पर लेके आता है लाइव कॉम्बैट, फ्री में, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर द लाइव कॉम्बैट। ये फ्री क्विज सर्विस है जो अपकमिंग बैंक एग्जाम के ऊपर आपके लिए आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए लाया जाता है एवरी संडे, ठीक है। यहाँ पर 50 मिनट में आपको 36 क्वेश्चन करने होते हैं, और आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 1 करोड़ रुपए का पूल प्राइज स्कॉलरशिप का, ठीक है। 29 अगस्त को आपके लिए आ रहा है मेगा कॉम्बैट, ठीक। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यूज करिए मेरा कोड ARS50। कौन सा कोड यूज करेंगे? ARS50 कोड का आप प्रयोग कर सकते हैं सभी लोग, ARS50 कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ARS50 कोड का आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, और इस कोड से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम फायदा और गेन, ठीक है। चलिए आप सभी को बता दें कि सीटी प्रिपरेशन जो ऑफर है वो आपके लिए आ गया। नीलिमा मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। आपको बता दें सीटी प्रिपरेशन ऑफर आ गया, जहां पर 21% आपको ऑफ मिलेगा, प्लस 6 मंथ की एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा बैंक और SSC के कॉम्बो पर। और आपके लिए RBI और नाबार्ड के लिए 75% का डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज कॉल्ड RBI इंट्रोडक्टरी ऑफर, ठीक है। और यहां पर डिस्काउंट के लिए आप यूज करिए मेरा कोड ARS50, दिस इज माय कोड, ओके। और आपके अगस्त के 3 ऑफर है, अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर, सीटी प्रिपरेशन ऑफर, RBI इंट्रोडक्टरी ऑफर। यहां पर हम लीस्ट कॉस्ट में आपको देते हैं प्रिपरेशन करने की सुविधा, और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। प्राइस हाई को इसके पहले आप इसका फायदा उठा लीजिए। सीमा मैम भी आ गई है, वेलकम वेलकम वेलकम। और डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं अनअकैडमी पर, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ अनअकैडमी पर। मेरी स्पेशल क्लास शाम को 5 बजे होती है। आज की यूट्यूब क्लास आप सभी लोग सुन लीजिए, ट्यूब क्लास सुन लीजिए सभी लोग, अभी 1 बजे के बाद, 1 बजे करंट अफेयर्स का सेशन है। इसके बाद आपको बता दूं मैं 3 बजे आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर सेशन लाऊंगा, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर 2021 का सेशन होगा, और रात में 8 बजे बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन लेके आऊंगा। शाम को 5 बजे फ्री स्पेशल क्लास, मॉक फ्री
स्पेशल क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड है, फ्री स्पेशल क्लास, और इस क्लास में आप पढ़ेंगे लाइव मॉक। कौन सा मॉक? लाइव मॉक, जहां कर मैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके तीनों क्लासेस को मैं अरेंज करता हूं, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून है। फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। बेस्ट सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स और 12 मंथ का होता है, जहां पर आप डिस्काउंट के लिए ARS50 कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इस कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। तो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कैमरा भी सही कर लिया जाए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुबह क्लासेस नहीं हो पाई थी और इसीलिए अब क्लास हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में आ चुका है। 13 अगस्त को कौन सा राज्य इन्वेस्टर समिट 2021 की मेजबानी करने जा रहा है? विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट इन्वेस्टर समिट 2021 ऑन 13th अगस्त। तो 13 अगस्त को जो राज्य आपके लिए 13 अगस्त को जो राज्य आपके लिए इन्वेस्टर समिट को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, उस राज्य का नाम है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? मुख्यमंत्री साहब का नाम क्या है? गुजरात के मुख्यमंत्री साहब का नाम है विजय रूपानी। क्या नाम है? विजय रूपानी, विजय रूपानी साहब है। और इस समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संबोधित भी किया जाएगा। यहाँ के राज्यपाल, राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल का नाम, यहाँ के राज्यपाल का नाम है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने किसके ऊपर, अपने क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। देखिए क्या लिखा है, पीएम टू एड्रेस इन्वेस्टर समिट इन गुजरात ऑन 13th अगस्त, ठीक है। तो 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस समिट को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। इन्वेस्टर समिट 2021 इज गोइंग टू हेल्ड बाय गुजरात ऑन 13th अगस्त, 13 अगस्त को इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द इन्वेस्टर समिट इज बींग ऑर्गेनाइज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन सेटअप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। देखिए भारत ने अभी हाल ही में बजट में व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर 20 साल और 15 साल के वाहनों के लिए ये लागू होगा। जो प्राइवेट वाहन होंगे, कौन से प्राइवेट वाहन होंगे, उन्हें स्क्रैपिंग के लिए 20 साल दिया जाएगा, और जो पब्लिक वाहन होंगे उनको दिया जाएगा 15 साल, ठीक है, समझ गए बात। तो अब जब ये स्क्रैपिंग में वाहन जाएंगे तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ पर गुजरात में इन्वेस्टर समिट 2021 को आयोजित किया जा रहा है, और ये कंडक्ट किया जाएगा गांधीनगर में। कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर में क्या है, गिफ्ट सिटी। कौन सी सिटी? गिफ्ट सिटी भी कहां पर है? गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी भी कहां पर है? गांधीनगर। तो यहां पर अमनदीप सिंह जी ने, सीमा जी ने, नीलिमा मैम ने, सभी ने आंसर दे दिया है गुजरात। बिल्कुल सही आंसर है गुजरात में। आपको बता दें 40वां यूनेस्को, कौन सा यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बनी है? धौलबीरा। कौन बनी है? धौलबीरा। कौन बनी है? धौलबीरा को बनाया गया है। और आपको बता दें यहां पर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट है, पावागढ़ी के पास चंपानेर, पावागढ़ी के पास चंपानेर एक अपनी विश्व धरोहर साइट है। पटना में रानी की पाव एक विश्व धरोहर साइट है। अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर, इसको भी विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। और गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में पाया जाता है। कमलम, ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किसने रखा है? गुजरात सरकार के द्वारा रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त सेलिब्रेटेड एज आ, चलिए फटाफट आंसर देना है। 12 अगस्त को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, क्वाइट इंडिया डे, इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, और इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। तो आपको बता दें 12 अगस्त को इंडिया इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त। नीलिमा मैम ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको बता दें एवरी ईयर इंटरनेशनल यूथ डे वॉज ऑब्जर्व ऑन अगस्त 12, तो 12 अगस्त को इसको क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको बता दें कि टू रिकॉग्नाइज ब्रिंग अटेंशन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूथ, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो युवा जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं उनके ऊपर अटेंशन केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। और आपको बता दें 2021 में जो वर्ल्ड इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसकी थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, ठीक है। तो आपको बता दें
आपके लिए 12 अगस्त सेलिब्रेशन कैसा होगा, यूथ डे। आप भी एक यूथ है, मैं भी एक यूथ हूं, तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, इसकी थीम है 2021 की, ठीक है। और आपको बता दें 15 अगस्त को हम लोग संस्कृति दिवस और अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस भी कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को। 29 अगस्त को हमारे यहाँ होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। 2 सितंबर 2021 को नारियल दिवस होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाकघर दिवस होता है। 20 नवंबर को अफ्रीकी इंडस्ट्रियलाइजेशन डे होता है, अफ्रीकी औद्योगिकरण डे होता है। आचार्य देवव्रत जी गवर्नर, यस यस यस, कलराज मिश्र राजस्थान के हैं। और देवव्रत साहब कहाँ के हैं? यस यस, बिल्कुल ठीक है नीलिमा जी, बिल्कुल सही है। देवव्रत साहब कहाँ के हैं? आप सभी को बता दें ये गुजरात के हैं, ठीक है, गड़बड़ हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे पहले सही कर दूं क्योंकि ये गड़बड़ हो गया है। ये देखिए यहाँ पर राज्यपाल कौन है, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है, आचार्य देवव्रत हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपडेट कर दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों, संशोधन कर लीजिए। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत साहब हैं, वो राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, अशोक गहलोत और कलराज मिश्र, ठीक है। चलिए यस यस, नहीं, सीमा जी आपका सही है, बिल्कुल सही है सीमा जी, आपका बिल्कुल सही है, नीलिमा जी ने बिल्कुल सही किया है। और आचार्य देवव्रत, ये यस यस आचार्य देवव्रत साहब है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, भारत ने किसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। चलिए आपको बताना है किसे इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, फटाफट बताना है। सौरभ सिंह, सुशील अरोरा, आदित्य नेगी, कमलेश कुमार पंत और अजय त्यागी। तो अजय त्यागी साहब सभी लोग जानते हैं सेबी के चेयरमैन है, कहां के चेयरमैन है, सेबी के चेयरमैन साहब हैं अजय त्यागी, सेबी के चेयरमैन है, ठीक है। चलिए अगला आंसर दीजिए भाई, सभी लोगों को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, इनके अध्यक्ष के तौर पर कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कमलेश कुमार पंत इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश कैडर के एक 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं कमलेश कुमार पंत। कौन है, कमलेश कुमार पंत साहब हैं। इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो कमलेश कुमार पंत नेशनल फार्मास्यूटिकल, ठीक है, जो प्राइसिंग अथॉरिटी है उसमें अध्यक्ष का पद दे दिया गया कमलेश कुमार पंत साहब को, याद रखिएगा। फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता वर्तमान में आईएएस अधिकारी सुब्रा सिंह कर रही थी, जिन्हें 2018 में पद पर नियुक्त किया गया था। इनके बाद सुब्रा सिंह के बाद कमलेश कुमार पंत साहब इस पद पर बैठेंगे, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश के अनुसार सिंह को उनके कैडर राजस्थान वापस भेज दिया गया है, यानी सुब्रा सिंह अब राजस्थान चली गई हैं, राजस्थान में वो अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगी, ठीक। तो आपको बता दें कमलेश पंत साहब बन गए हैं आपके नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष, ठीक है। अगली खबर आपके लिए ये रही, शहरी वन क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य कौन सा बन गया है। विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट इन अर्बन रीजन। चलिए फटाफट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर
चार आपके सामने ये रहा। चलिए फटाफट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो आप सभी को बता दें, अभी हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही आंसर दिया गया, छत्तीसगढ़। ठीक है नीलिमा जी और सीमा जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट इन एन अर्बन एरिया। ठीक है, विद द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू रेजिडेंट ऑफ धमत्री डिस्ट्रिक्ट 4127 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ एक शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों को धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र के भीतर 5544 हेक्टेयर वन के सामुदायिक संसाधन अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, तो आपको बता दें, पहला ऐसा राज्य जिसने वन क्षेत्र को आधिकारिक मान्यता दी है वो कौन सा बन गया है? वो बन गया है छत्तीसगढ़। कौन बन गया? छत्तीसगढ़। अमन जी, कल्पेश जी ने सही आंसर दिया, सीमा जी ने और नीलिमा जी ने सही आंसर दे दिया, वेल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी सेवा में ये रहा। रिसेंटली विच बांग्लादेश ऑलराउंडर हैज बीन गिवन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस बांग्लादेशी ऑलराउंडर खिलाड़ी को दिया गया है? नूरुल हसन, हफीब हसन, समीम हसन, साकिब अल हसन या मुसफिकुर रहीम। चलिए फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। आईसीसी सीधे बताना है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे देना है? अवार्ड किसे देना है? ठीक है, अवार्ड किसे दिया गया है जुलाई के लिए? किसके लिए? जुलाई 2021 के लिए। फटाफट आंसर देना। और साकिब अल हसन बिल्कुल सही, सीमा जी और नीलिमा जी ने आंसर दे दिया है, साकिब अल हसन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, साकिब अल हसन। तो बांग्लादेश ऑलराउंडर साकिब अल हसन हैज बीन नेम द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। ठीक है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई का अवार्ड साकिब अल हसन को दिया गया। ठीक है, अब आपको बता दें, साकिब्स कंट्रीब्यूशन इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स ऑफ द गेम हेल्प बांग्लादेश विन सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ में जो जिम्बाब्वे में बांग्लादेश की सीरीज हो रही थी, वहां पर साकिब अल हसन के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वहां पर बांग्लादेश जीती है, और इसीलिए साकिब अल हसन को जुलाई में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और वुमेन्स में आपको बता दें, स्टीफनी टेलर जो वेस्ट इंडीज से आती, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो आपको बता दें, जनवरी में ऋषभ पंत को दिया गया था, फरवरी में आर अश्विन को दिया गया था, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था, अप्रैल में बाबर आजम पाकिस्तान, मई में मुसफिकुर रहीम को दिया गया, जून में डिवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड को दिया गया, जुलाई में साकिब अल हसन को दिया गया। किसको दिया गया? साकिब अल हसन को। और आईसीसी का हेडक्वार्टर बिल्कुल सही लिखा है, दुबई में है। कहां पर है? दुबई में। बिल्कुल सही है, दुबई में है। बिल्कुल सही आंसर है, वेल डन। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? फटाफट आंसर देना है दोस्तों, चलिए फटाफट आंसर देते जाइए। री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? चलिए फटाफट आंसर देना है। तो आप सभी को बता दें कि अभी हाल ही में कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? राजकुमार राव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, राजकुमार राव। ठीक है, कैसीफाई। तो आपको बता दें, देखिए, कैसीफाई अपॉइंटेड राजकुमार राव एज अ फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो आपके लिए री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि राजकुमार राव को वह अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अभिनेता ने कंपनी के साथ एक बहुवर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
विशेष रूप से स्मार्टफोन बायबैक श्रेणी के लिए अभियानों और प्रचार गतिविधियों में मार्केट मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्पादों को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया कैसी फाई ने, किसने बना लिया, कैसी फाई ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी सेवा में, ये रहा। चलिए, राजकुमार राव, नीलिमा जी, अमनदीप जी बिल्कुल सही आंसर दिया है, और जसप्रीत बुमराह वन प्लस यस वेरिएबल्स के बने जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल ठीक है। Which bank has chosen Amazon Web Service as its preferred cloud provider? किस बैंक ने अपने प्राथमिक क्लाउड प्रदाता के रूप में Amazon Web Service को चुना है? चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने टाई अप किया है Amazon Web Services के साथ फॉर क्लाउड पार्टनरशिप के लिए। चलिए, और यहां पर देखिए, योगेश सर ने भी आंसर दे दिया, नीलिमा जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अमनदीप सिंह ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और यहां पर यस बैंक आंसर दिया गया, इसका सही आंसर है आरबीएल बैंक। बेटा कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? आरबीएल बैंक। ठीक, तो आरबीएल बैंक हैज चूजन अमेजॉन वेब सर्विसेज एंड amazon.com कंपनी एज इट्स प्रिफर्ड क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, तो आरबीएल और अमेजॉन वेब सर्विस के बीच में क्लाउड प्रोवाइडर के लिए एक टाई अप किया है RBL, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने। ठीक है, Amazon Web Services help RBL bank to strengthen its AI powered banking solution and drive digital transformation at the bank। ठीक है, तो आपको RBL के बारे में बता दें, RBL bank की स्थापना 1943 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और विश्वबीर आहूजा साहब को इसका दोबारा MD और CEO चुन लिया गया है। तो आपके लिए बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर जो आंसर है वो है आरबीएल बैंक। कौन सा बैंक है? आरबीएल इज द राइट आंसर। ठीक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, विश्वबीर आहूजा। ठीक है, चलिए अगली खबर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है? हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए फटाफट आंसर देना है। Who is inaugurated the Health Quest study? तो health quality upgradation enabled by space technology of ISRO। ठीक है, तो आपको बताना है Health Quest study का उद्घाटन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो आपको बता दें, अभी हाल ही में के सिवान, ISRO के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? के सिवान। क्या नाम है? के सिवान। तो के सिवान के द्वारा इसका अभी उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवान ने औपचारिक रूप से स्वास्थ्य क्वेस्ट अध्ययन इसरो की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के द्वारा स्वास्थ्य गुणवत्ता उन्नयन सक्षम कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जो पूरे भारत में 20 निजी अस्पतालों के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इनको इसके लिए चुना गया है। यह आयोजन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और सोसाइटी फॉर इंटरजेंसी मेडिसिन इन इंडिया द्वारा सह आयोजित है। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाएगा कार्यक्रम। ठीक, अब इसरो के बारे में आपको बता दें, तो इसरो के जो निर्देशक हैं, ठीक है, डायरेक्टर, इनका नाम है के सिवान। ठीक है, संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई साहब थे, और आपको बता दें स्थापित कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, और हेडक्वार्टर कहां पे? बेंगलुरु में। और यहां पर देखिए, नीलिमा मैम ने आंसर दे दिया, बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगली खबर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए आ गई है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए पहले सभी दोस्तों। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भय मिसाइल, इट इज अ टाइप ऑफ। तो आपको बता दें, निर्भय मिसाइल का अभी हाल ही में DRDO ने, किसने? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अब आपको बताना निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है? निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है, एंटी से बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, या बोथ ए एंड बी? तो आपको आंसर देना है 9th क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आंसर देना है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल आप सभी को आंसर देना है। आपको बता दें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अब सबसोनिक का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, जिसे कहा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा के तट पर, कहां पर? उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय, कौन सी मिसाइल? निर्भय का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है।
निर्भय भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, ये इंडिया की पहली खुद की निर्मित एक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है जो 0.7 मैक की गति से उड़ान भरती है, जिसमें समुद्र स्कीमिंग और इलाके को पकड़ने की क्षमता होती है। मिसाइल को दुश्मन के रडार के नीचे रहने में मदद करती है ताकि पता लगाने से बचा जा सके। ठीक है, तो रडार से नीचे उड़ती है ये मिसाइल। और आपको बता दें, नीलिमा जी ने बता दिया सबसोनिक मिसाइल, अमनदीप जी ने भी कह दिया ए, बिल्कुल सही है सबसोनिक। निर्भय कैसी मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है। द क्वाड कंट्रीज, नेक्स्ट न्यूज, न्यूज नंबर 10, द क्वाड कंट्रीज नेवीज विल बी कंडक्टिंग द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्वाड मेंबर्स, इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? चलिए, अभी क्वाड के जो सदस्य देश है ये मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज है ये करने जा रहे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है, इंडिया, रसिया, यूएस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बता दें, रसिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। क्वाड में चार देश सदस्य हैं। चार देश हैं, पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कौन सा देश होता है, यूएसए, तीसरा कौन सा है, यूएसए है, और चौथा कौन सा है, भारत। कौन है? भारत। ठीक, तो ये चार देश क्वाड के सदस्य हैं और रसिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड। ठीक है, याद रखिएगा। तो द क्वाड कंट्रीज नेवल नेवीज इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया विल कंडक्टिंग द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज। तो जो वार्षिक मालाबार नेवी एक्सरसाइज है वो अगस्त 21 को ऑर्गेनाइज की जाएगी, अगस्त 21 2021 को। ठीक है, कोस्ट ऑफ गोम इन द इंडो पैसिफिक, तो आपको बता दें जो इंडो पैसिफिक सागर है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, द हार्बर फेस ऑफ द मालाबार नेवल एक्सरसाइज विल टेक प्लेस फ्रॉम 21 to 24 अगस्त 2021। ठीक है, तो आपको बता दें 21 अगस्त से 24 अगस्त तक इसको आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का समुद्री चरण 25 से 29 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट खबर यह है कि क्वाड के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज जो की जा रही है वो चार देशों की एक्सरसाइज है, पहला भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश क्वाड के सदस्य हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगली खबर आपके सामने ये रही, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश कंपनी, जिसे ब्रिटिश कंपनी ने प्रिपेयर किया है, हाउस फ्रेश विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन ईयर 2020। तो ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना है 2020 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे प्रदूषित देश आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूषित है, सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सा है, फटाफट बताना है। चलिए फटाफट बताना है, फटाफट बताना है। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है, यहां पर जो रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की गई है, यहां पर जो सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है वो बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू आर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश, बांग्लादेश वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2020। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2020 बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। इन द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड कंट्रीज पाकिस्तान इज एट नंबर 2, इंडिया एट नंबर 3 एंड मंगोलिया एट नंबर 4। तो नंबर 1 पर कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे ज्यादा गंदा देश है बांग्लादेश। इसके बाद आपको बता दें पाकिस्तान नंबर 2 पर कौन सा देश आता है? पाकिस्तान। कौन सा देश आता है? पाकिस्तान आता है। नंबर 3 पर कौन सा देश आता है? भारत। कौन सा देश आता है? भारत। ठीक है, और नंबर 4 पर कौन सा देश आता है? मंगोलिया। कौन सा देश आता है? मंगोलिया। कौन सा देश आता है? मंगोलिया। ठीक है, समझ गए बात, इतना समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, तो ये चार देश हैं। और आपको बता दें कि देखिए इसके साथ चीन के जिनयांग प्रांत के हॉटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर हॉटन शहर है। कहां का?
चीन का, ठीक है। और आपको बता दें दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। यानी 50 देशों की रिपोर्ट में 49 देश सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और चीन से हैं, ठीक है। और बांग्लादेश भारत का संबंध बता दें, बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर लंबी सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा से सीमा लगती है बांग्लादेश की, ठीक है। तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको बताना है जेके टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। फटाफट बताना है जेके टायर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। चलिए फटाफट आंसर देना है, जेके टायर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सलमान खान, नारायण कार्तिकेय, अमिताभ बच्चन, लुइस हैमिल्टन या सोनू सूद। तो अभी हाल ही में नारायण कार्तिकेय भारत के जो फॉर्मूला वन राइडर थे, इनको जेके टायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड द लीडर ऑफ द इंडियन टायर इंडस्ट्री एंड अ मार्केट लीडर इन द ट्रक बस रेडियल सेगमेंट हैज अपॉइंटेड नारायण कार्तिकेय एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो नारायण कार्तिकेय को अभी हाल ही में जेके टायर ने अपना क्या बना लिया है, ब्रांड एम्बेसडर। क्या बना लिया है, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपके लिए बता दें नारायण कार्तिकेय भारत के पहले फॉर्मूला वन राइडर हैं, उद्योग में इनोवेशन और जो एक्सीलेंसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए कार्तिकेय को ब्रांड चेहरा दिया गया है, ठीक है। नारायण कार्तिकेय 2005 में भारत से फॉर्मूला वन में पदार्पण करने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर थे। तो नारायण कार्तिकेय भारत के पहले फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। नारायण कार्तिकेय बिल्कुल सही आंसर है, अमनदीप जी, नीलिमा जी बिल्कुल सही आंसर है। RBI has increased the limit for collateral free loan to self help group under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission from 10 lakh to, अब आपको बताना है कि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर ये लिमिट कितनी कर दी गई है। चलिए हम आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बता देते हैं, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए फटाफट बताते हैं, फाइन भाई। आरबीआई हैज इंक्रीज कोलेटरल फ्री लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। यहां पर इन्होंने 10 लाख से बढ़ाकर ये लिमिट कितनी कर दी है, 20 लाख रुपए कर दिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। किसके लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, ठीक है। देखिए आपको बता दें आरबीआई ने स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण बढ़ा दिया, यानी कोलेटरल फ्री, जहां पर सिक्योरिटीज के बिना लोन मिल जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को कोलेटरल फ्री लोन बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। कितना कर दिया है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया है। और आपको बता दें दीनदयाल उपाध्याय जो स्कीम है, इसका प्रमुख कार्यक्रम है भारत के गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं को मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबी में कमी को बढ़ावा देना, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आरबीआई की तरफ से कोलेटरल फ्री लोन पहले 10 लाख तक मिलता था, अब इसे 20 लाख तक कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 20 लाख तक कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, फटाफट आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व हाथी दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है, फटाफट आंसर देना है। और यहां पर हम आपको बता दें विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 अगस्त को 14 का B, बिल्कुल सही है, 14 का B बिल्कुल सही है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपके लिए देखिए बता दें, एवरी ईयर ऑन 12th अगस्त वर्ल्ड सेलिब्रेट्स एलिफेंट डे टू रिकॉग्नाइज देयर इंपॉर्टेंस इन अवर इकोसिस्टम। हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में हाथियों के जो इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 12 अगस्त को, कौन से अगस्त को, 12 अगस्त को एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगस्त 12, 2012 फर्स्ट वर्ल्ड एलिफेंट डे वॉज ऑब्जर्व, 2012 में पहली बार हाथी दिवस को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ अल मोहेद अल हिंदी
2021 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, वेल डन, क्या बात है, फटाफट आंसर देना है दोस्तों। इंडियन नेवी विल कंडक्ट अ नेवल एक्सरसाइज नेम अल मोहेद अल हिंदी 2021 एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है किस देश की नेवी के साथ, किस देश की नेवी के साथ अभी हाल ही में भारतीय नौसेना एक अभ्यास को आयोजित करने जा रही है, किस देश की नेवी के साथ। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है सऊदी अरब। क्या है सही आंसर, सऊदी अरब। देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया आर ऑल सेट टू कंडक्ट देयर फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज इन रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ग्रोइंग डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन। तो मिलिट्री कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरेबिया, कौन सा, सऊदी अरेबिया, दोनों ही अभी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है, अल मोहेद अल हिंदी 2021, ठीक है। और यहां पर भारत की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोच्चि पहुंच चुका है। तो INS कोच्चि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, मोहेद अल हिंदी, अल मोहेद अल हिंदी 2021, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर दे दिया है सऊदी अरब, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। नेम द वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर एंड आयुर्वेद डॉक्टर एंड प्रोपोनेंट ऑफ योगा हु पास्ड अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता, आयुर्वेदिक चिकित्सक और योग के प्रस्तावक का नाम बताइए जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। तो इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। फटाफट आंसर देना है दोस्तों, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया, निधन। तो ऐसे व्यक्ति का नाम अगर हम बात करें, जिनका नाम है बालाजी तांबे, क्या नाम है, बालाजी तांबे इज द राइट आंसर। देखिए रिन्यूड आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे पास्ड अवे रिसेंटली, अ वेल नोन स्पिरिचुअल लीडर हु हैज ऑल्सो आयुर्वेदा डॉक्टर प्रोपोनेंट ऑफ योगा डॉक्टर बलजी बालाजी पास्ड अवे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया बालाजी साहब का। लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलन विलेज के संस्थापक डॉक्टर तांबे ने आध्यात्मिकता, योग और आयुर्वेद पर कई किताबें लिखी हैं। उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो बालाजी तांबे साहब का भी हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, बालाजी तांबे साहब का निधन हो गया, ठीक है। तो ये थी आज की ताजा खबरें जो मैं आपके लिए लेके आया था आपके करंट अफेयर्स के सेशन में, और आई होप आप सभी को आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल गए होंगे। और आज 16 क्वेश्चन आपके लिए थे 12 की जगह, ठीक है। तो आप सभी को बता दें अनअकैडमी पर प्लस कोर्स हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, और प्लस कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड, और मेरा कोड है ARS50। कौन सा कोड है, ARS50, ARS50 इज माय कोड, ओके। और आपको बता दें अगर आपको सेशन में कुछ भी इन अप्रोप्रिएट लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आप सही पाए जाते हैं तो आपको मिलेगा Amazon गिफ्ट वाउचर, ठीक है। तो आपको बता दें आज 3 बजे 3 PM पर मैं स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आऊंगा, स्टैटिक जीके की YouTube पर, स्टैटिक जीके में गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस्ड MCQ होंगे। क्या होंगे, MCQ होंगे, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस्ड, किसके ऊपर, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस्ड MCQ होंगे। और रात में 8 बजे आपके लिए, 8 PM पर आपके लिए होगी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ना मत भूलिएगा। और शाम को 5 बजे आपका स्पेशल मॉक होगा। क्या होगा, स्पेशल मॉक होगा, और ये मॉक कहां पर होता है, आपके ऐप के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आगे बढ़िए और इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। 3 बजे हम लोग फिर मिलेंगे स्ट्रेटेजी जीके की क्लास में, जहां पर मैं पढ़ाऊंगा गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर बेस्ड MCQ 2021 के।